हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। होमगार्ड जवानों से संबंधित सभी प्रदेशों की खबरें पाएं सबसे पहले तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों बड़ी खबर निकल गई कि अस्पताल की सुरक्षा से हटाए जाएंगे 125 होमगार्ड जवान। यूपी सरकार ने की घोषणा, होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो दोस्तों चलिए खबर की तरफ चलते हैं। कटिहार से खबर निकल कर रही, स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पताल की सुरक्षा में तैनात जवानों को वापस कर अस्पताल की सुरक्षा की कमान निजी सुरक्षा गार्ड को सौंपा जाएगा। इसको लेकर सीएस ने होमगार्ड जवानों की सेवाएं वापस करने के लिए समादेश को इसकी लिखित सूचना दे दी। इसका बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ विरोध कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिक्योरिटी एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है। सीएस ने दिए गए पत्र में सुरक्षा गार्ड द्वारा योगदान करने की बात कही है। इस संबंध में बिहार रक्षा वाहिनी स्वयंसेवक संघ के सचिव विनोद कुमार सिंह ने सीए का आदेश का विरोध करते हुए इस संबंध में उप समाहर्ता बिहार रक्षा वाहिनी पटना को आवेदन देकर अवगत कराया। ये उत्तर प्रदेश निकल करेगी, यूपी सरकार ने की ये घोषणा, होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी। हाँ जी दोस्तों, यूपी सरकार की एक घोषणा से होमगार्ड जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों को अवैतनिक अधिकारी को दुर्घटना बीमा कवरेज देने का फैसला किया। इसके लिए करीब 5 करोड़ की धनराशि की मंजूरी कर ली है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि होमगार्ड जवानों को 1 साल का में 24 घंटे सामाजिक दुर्घटना बीमा कवरेज किए जाने के लिए 4.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। बीमे के लिए वार्षिक प्रीमियम का भुगतान ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बीमा कंपनी होमगार्ड स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारी को दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 5 लाख अथवा दोनों आंखों की पूर्ण रूप से हानि पर 5 लाख, एक अंग तथा एक आंख की पूर्ण रूप से हानि पर 2.5 लाख, पूर्ण स्थायी अपंगता तथा पक्षघात आदि पर 5 लाख रुपये देने का भुगतान करेगी। तो दोस्तों ये रही बड़ी खबर होमगार्ड जवानों के लिए। ऐसी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी प्रदेशों की खबरों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करके बताएं कि आप कहां से, ताकि उस प्रदेश की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा देने में आसानी हो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।